फिल्म एक गुप्त सरकारी कर्मचारी जॉर्ज के साथ शुरू होती है जो एक खतरनाक व्यक्ति को पकड़ने के मिशन पर है। जैसे ही जॉर्ज और उनकी टीम ने परिधि को सुरक्षित किया, वे एक इमारत में घुसपैठ करते हैं जहां अप्रत्याशित रूप से उनका सामना एक चौकीदार के भेष में जोसेफ से होता है। जॉर्ज ने जोसेफ के प्रति अपनी सरकारी संबद्धता का खुलासा किया और उनके साथ शामिल होने का निमंत्रण दिया। हालांकि जोसेफ को उनकी निष्ठा का एहसास होता है, वह एजेंटों पर अपनी झाड़ू उछालता है और भागने का साहस करता है। एक पीछा शुरू होता है जिसका समापन एक भंडारण इकाई के भीतर टकराव में होता है। अपनी अद्वितीय क्षमताओं का लाभ उठाते हुए जोसेफ गुरुत्वाकर्षण का उल्लंघन करता है, कैद से बचने के लिए छत को तोड़ता है। निडर होकर एजेंट छत तक उसका पीछा करते हैं, जहां वे उसे वश में करने के लिए एक विशेष टैसर का इस्तेमाल करते हैं। एक बार अक्षम होने पर जोसेफ को उसकी असाधारण शक्तियों को खत्म करने के लिए सीरम का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे एक गुप्त सुविधा में ले जाया जाता है। कार्यक्रम के नेता कैप्टन विलियम्स के साथ एक बाद की बैठक में जॉर्ज को पता चला कि ये आनुवंशिक रूप से उन्नत व्यक्ति एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। जॉर्ज, जो शुरू में ऐसे खतरों को बेअसर करने की इच्छा से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुआ था, जोसेफ के टालमटोल वाले व्यवहार से हैरान है। कैप्टन विलियम्स इन उन्नत मनुष्यों की भ्रामक प्रकृति पर प्रकाश डालते हैं और जॉर्ज को इनसे निपटने में अत्यधिक सतर्कता बरतने की चेतावनी देते हैं। कैप्टन विलियम्स जॉर्ज को एक दुष्ट संवर्धित व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो रहस्य में डूबे साथी उन्नत प्राणियों को निशाना बना रहा है। इन हत्याओं में प्रयुक्त घातक शक्तियां शहर के विपरीत दिशा में स्थित एक अन्य उन्नत व्यक्ति की शक्तियों से मेल खाती हैं। इस बीच एना, जो एक कार गैराज में कार्यरत एक उन्नत इंसान है, डेनी के साथ सहयोग करती है और उसके कार्यों में उसकी सहायता करती है। बदले में डेनी सरकारी पहचान से बचते हुए चीन भागने के लिए जाली पासपोर्ट हासिल करने में उसकी सहायता करती है। हालांकि उनकी योजनाओं में तब काला मोड़ आ जाता है जब अगले दिन मार्को और उसके सहयोगी डेनी से भिड़ जाते हैं। झूठी पहचान के लिए सौदा करने के बावजूद मार्को अधिक पैसे की मांग करते हुए मुकर जाता है। जब डेनी ने अनुपालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो मार्को ने अपने आदमियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया और उसे क्रूर पिटाई का शिकार बनाया। डेनी के खतरे को देखते हुए एना गुस्से में अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है, जिससे सभी को अक्षम कर दिया जाता है, लेकिन अनजाने में उसके लिए एक बंदूक की गोली आ जाती है। भटकी हुई गोली डेनी पर अपना निशान पाती है, जिससे घातक घाव हो जाते हैं। मदद की बेताब कोशिश में एना पुलिस से संपर्क करती है और उसका तैयार पासपोर्ट जब्त कर लेती है और घटनास्थल से भाग जाती है। जॉर्ज की टीम संकटपूर्ण कॉल को सुनती है और एक उन्नत व्यक्ति की संलिप्तता को पहचानती है। उन्नत लोगों द्वारा उत्सर्जित अद्वितीय संकेतों का पता लगाने के लिए डिजाइन की गई एक विशेष ट्रैकिंग घड़ी का उपयोग करके वे अन्ना का पीछा करते हैं। आपूर्ति के लिए अपनी उन्मत्त खोज के बीच अन्ना का सामना एक रहस्यमय व्यक्ति से होता है। एक तनावपूर्ण मुठभेड़ में आदमी अन्ना के पास आता है और दावा करता है कि वह उसकी सहायता के लिए यहाँ है। संदेहास्पद होकर वह अपनी शक्तियों की वृद्धि से उसे पीछे हटा देती है और तेजी से भागते हुए तेजी से ट्रक चुरा लेती है। उससे अनभिज्ञ जॉर्ज और स्कॉट राजमार्ग पर उसका पीछा करते हैं। पीछा करने का एहसास होने पर एना अपने पीछा करने वालों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए एक खेत में घुस जाती है। जॉर्ज तेजी से अपनी टीम के साथ समन्वय करता है, उसे ट्रैक करने के लिए एक ड्रोन तैनात करता है और अपने लोगों को उसके स्थान पर जुटने का निर्देश देता है। अचानक ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट अन्ना के चोरी हुए ट्रक सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाधित कर देता है। अवसर का लाभ उठाते हुए जॉर्ज के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे हाथ ऊपर करके वाहन से बाहर निकलने का आदेश दिया। एना अनुपालन करती है, लेकिन उसके पासपोर्ट की खोज से सवाल उठते हैं। जॉर्ज द्वारा उसके इरादों और डेनी की मौत के बारे में पूछे जाने पर एना ने हत्या में शामिल होने से सख्ती से इनकार किया और जोर देकर कहा कि वह डेनी की सहायता करना चाहती थी। उसके स्पष्टीकरण के बावजूद जॉर्ज संशय में बना हुआ है। उनकी टीम अन्ना को परेशान करते हुए अपनी घड़ियों पर पावर सर्ज सक्रिय कर देती है। अधिक होकर एना अपने हमलावरों को पीछे हटाने के लिए एक बल क्षेत्र का उपयोग करती है, जिससे वो मुक्त हो जाती है और शरण की ओर बढ़ती है। एक छोटे से केबिन में सांत्वना पाते हुए एना कैद से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज कुशलता से उसका पता लगा लेता है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में एना जॉर्ज पर घात लगाकर हमला करती है और उसे काबू कर लेती है। निडर होकर जॉर्ज जवाबी कार्रवाई करता है, अन्ना को अंधा करने के लिए एक फ्लैश ग्रेनेड तैनात करता है और एक सही समय पर किए गए टैसर से उसे वश में कर लेता है।
एक महत्वपूर्ण क्षण में जॉर्ज एक इंजेक्शन सिरिंज लहराता है जो अन्ना को स्थिर करने के लिए तैयार है। हालांकि अचानक हस्तक्षेप सामने आता है जब डेविड नामक एक अन्य उन्नत व्यक्ति जॉर्ज पर पीछे से हमला करता है। नियंत्रण पर कब्जा करते हुए डेविड जॉर्ज को बंधनों में बांधते हुए अन्ना और जॉर्ज दोनों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। एना डेविड को उस व्यक्ति के रूप में पहचानती है जिसने एक उन्नत व्यक्ति को सरकारी सुविधा से भागने में मदद की थी। होश में आने पर जॉर्ज को पकड़े गए उन्नत व्यक्तियों के ठिकाने के बारे में डेविड से लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ता है। जानकारी का खुलासा करने से इनकार करते हुए जॉर्ज को डेविड के हाथों आसन्न मृत्यु की गंभीर संभावना का सामना करना पड़ता है। एना हस्तक्षेप करती है, समय की मांग करती है और डेविड प्रस्थान से पहले सुबह तक की मोहलत देता है। जॉर्ज के साथ अकेले एना इस बात का जवाब ढूंढती है कि वो जॉर्ज के पीछा का निशाना क्यों बनी। जॉर्ज अविचल खुलासा करता है कि अन्ना को उसके द्वारा पढ़ी गई फाइल के आधार पर एक खतरनाक हत्यारा माना जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब जॉर्ज अपने माता पिता और चिकित्सक सहित कई व्यक्तियों की हत्या करने के उसके इतिहास का खुलासा करता है तो अन्ना का अतीत उजागर हो जाता है। हालांकि एना ने एक रहस्य उद्घाटन के साथ प्रतिवाद किया कि उसे 4 साल की उम्र में अपने माता पिता से जबरन अलग कर दिया गया था। साइसा नामक एक गुप्त सरकारी संगठन ने उस पर प्रयोग किए और उसे एक घातक हत्यारे के रूप में ढाल दिया। वह बताती है कि उनके आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर उसे कितने गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसे अपनी मृत्यु की धमकी का भी सामना करना पड़ा। एक चौंकाने वाले क्षण में एना जॉर्ज के सामने एक दुखद सच्चाई का खुलासा करती है और अपने चिकित्सक की मृत्यु के पीछे के गंभीर कारण को साझा करती है। निर्धारित संख्या के बजाय अन्ना को उसके नाम से संबोधित करने के कारण चिकित्सक को दुखद अंत का सामना करना पड़ा। इस कार्य को एक मानवीय संकेत माना जाता था जिसके परिणामस्वरूप अन्ना की आंखों के सामने निष्पादन हुआ। जॉर्ज हालांकि संशय में था, उसे एहसास हुआ कि कार्यक्रम की वास्तविक प्रकृति उससे छिपाई गई है। जैसे ही सुबह होती है जॉर्ज की टीम अन्ना को ट्रैक करने के अपने प्रयास तेज कर देती है। अप्रत्याशित रूप से उनकी घड़ियां उन्हें अल्फा प्रकार की उपस्थिति के प्रति सचेत करती हैं, एक पदनाम जो कार्यक्रम की जानकारी के अनुसार कथित रूप से अस्तित्वहीन है। स्कॉट ने इसे तब तक एक गड़बड़ी के रूप में खारिज कर दिया जब तक कि उसका डेविड से आमना सामना नहीं हो गया। डेविड को वश में करने की टीम की कोशिशें व्यर्थ साबित हुईं, स्कॉट अकेला जीवित बचा। मुख्यालय में वापस आकर स्कॉट डेविड को शक्ति अक्षम करने वाला सीरम इंजेक्ट करता है जिससे डेविड की प्रतिरक्षा का पता चलता है क्योंकि वो स्कॉट को छोड़कर सभी को खत्म कर देता है। इसके साथ ही जॉर्ज जो अभी भी संयमित है अन्ना से अनुरोध करता है कि वो डेविड से उनकी तरह के खतरे के बारे में चेतावनी पर ध्यान दे। हालांकि संशय बरकरार है और एक मोड़ सामने आता है जब जोसेफ एक रहस्यमय लाल चमकती डिवाइस से लैस होकर हस्तक्षेप करता है। अन्ना और जोसेफ के बीच आगामी संघर्ष में जॉर्ज खुद को मुक्त करने के अवसर का लाभ उठाता है और जोसेफ को सीरम देता है। एक रहस्य उद्घाटन जॉर्ज को अंदर तक झकझोर देता है क्योंकि जोसेफ जिसे उन्मूलन के लिए चिन्हित माना जाता है उसके सामने आता है। अन्ना ने सच्चाई का खुलासा किया, लाल ब्लिंकिंग डिवाइस को उनकी सहमति के बिना उन्नत व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने के एक भयावह उपकरण के रूप में उजागर किया। वह सरकार में जॉर्ज के भरोसे को चकनाचूर कर देती है, उनके द्वारा उन्नत व्यक्तियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का खुलासा करती है और झूठ के जाल को उजागर करती है जिसमें वो उलझा हुआ था। जॉर्ज कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए अन्ना के खाते को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है और उनके भागने में उसके साथ सहयोग करने का फैसला करता है। डॉट साथ में वे पीछा करने से बचते हैं, मुख्य सड़क पर पहुंचते हैं जहां पहले वाला रहस्यमय सहयोगी फिर से प्रकट होता है। उनसे अपनी कार लेने का आग्रह करते हुए वो उनका ड्राइवर बन जाता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। खुद को एली के रूप में पेश करते हुए वह अपने साथ रहने वाले एक अन्य उन्नत व्यक्ति लू की उपस्थिति का खुलासा करता है। एली ने एक विश्लेषक के रूप में साइसा के साथ अपनी अनजाने भागीदारी का खुलासा करते हुए अपने रहस्यमय अतीत को उजागर किया। मानव प्रयोग के सामने आने से अनभिज्ञ एली को केवल सुविधा पर डेविड के हमले के दौरान भयावह सच्चाई का पता चला जहां लू ने उसके बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही एली ने सुपर सीरम बनाने में साइसा के गुप्त प्रयोगों का खुलासा किया तो और भी खुलासे हुए जिससे उन्हें अनंत ऊर्जा से भरपूर और एंट्रापी से रहित एक और आयाम का उल्लंघन करना पड़ा। इस आयाम के भीतर डेविड एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध ऊर्जा के एक अंतरायामी प्राणी के रूप में उभरता है। एली डेविड के अद्वितीय अस्तित्व पर प्रकाश डालते हुए बताते हैं कि उनके आयाम में एंट्रोपी की अनुपस्थिति उन्हें आयुहीनता और मृत्यु के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करती है।
कंपनी ने इस असीमित ऊर्जा का दोहन करने की कोशिश करते हुए डेविड के सार के एक हिस्से को अवशोषित किया और इसे मानव विषयों में इंजेक्ट किया। एक चौंकाने वाला रहस्य उद्घाटन सामने आता है जब डेविड अपने आयाम में वापस लौटने की अपनी क्षमता के नुकसान से जूझ रहा है। हताशा से प्रेरित होकर डेविड उन्नत मानव प्राणियों को दी गई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक निरंतर खोज पर निकल पड़ता है, जिससे अनजाने में इस प्रक्रिया में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसका अंतिम लक्ष्य अपने घरेलू आयाम का दरवाजा खोलने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा करना। इस अस्तित्वगत खतरे के सामने एली, जो एक बार साइसा के साथ काम कर चुकी है, डेविड की निरंतर खोज को रोकने की तात्कालिकता को पहचानती है। हालांकि डेविड की ताकत प्रत्येक उन्नत व्यक्ति के साथ बढ़ती है जिसे वह अवशोषित करता है, जिससे उसे विफल करने के पारंपरिक प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। एकमात्र व्यवहार्य रणनीति उभरती है डेविड को उसकी पुनर्योजी क्षमताओं में बाधा डालने के लिए कमजोर करना और परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाना। जॉर्ज अब इस महत्वपूर्ण जानकारी से लैस होकर मुख्यालय लौटने और अलार्म बजाने का संकल्प करता है। टीम की सामूहिक ताकत और उनके उन्नत हथियारों पर विश्वास करते हुए जॉर्ज का लक्ष्य उनकी सेनाओं को एकजुट करना और डेविड का सामना करना है, जो निरंतर आयामी पीछा करने वाले के खिलाफ गहन प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। जैसे ही गंभीर स्थिति सामने आती है, डेविड के अचानक दरवाजे पर आने से जॉर्ज के जाने का प्रयास विफल हो जाता है। आसन्न खतरे को पहचानते हुए एली ने उनसे डेविड की प्रगति में बाधा डालने के लिए खुद और लू का बलिदान देते हुए पिछले दरवाजे से भागने का आग्रह किया। एक साहसिक प्रयास में एली और लू ने डेविड को क्षण भर के लिए रोक लिया, लेकिन उसकी जबरदस्त शक्ति अजेय साबित हुई, जिससे उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एली और लू के बलिदान के साथ जॉर्ज और अन्ना एक कार में भागने का प्रयास करते हैं। हालांकि डेविड तेजी से पकड़ लेता है कार के दरवाजे को फाड़कर और उन्हें जबरदस्ती अलग करके अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। घटनाओं के एक क्रूर मोड़ में वह एक कंटेनर पकड़ लेता है और उसे अन्ना पर फेंक देता है, जिससे वह अक्षम हो जाती है। डेविड ने जॉर्ज से अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की। एक हताश दलील में जॉर्ज हस्तक्षेप करता है और अन्ना की जान बचाने के लिए एक समझौते का प्रस्ताव रखता है। वह डेविड को उस स्थान पर मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है जहां सभी पकड़े गए उन्नत व्यक्तियों को भारी शक्ति की छाया में एक अनिश्चित सौदेबाजी करते हुए बंदी बना लिया जाता है। एक अस्थायी समझौते के साथ डेविड और जॉर्ज मुख्यालय की ओर ड्राइव पर निकलते हैं, जिससे अन्ना कंटेनर के नीचे फंस जाती है। अपनी सारी ताकत जुटाकर एना आजाद हो जाती है और मुख्यालय की ओर अपनी कठिन यात्रा शुरू करती है। कार में जॉर्ज डेविड की प्रेरणाओं के बारे में और अधिक जानने का अवसर प्राप्त करता है। डेविड ने अपनी पीड़ा प्रकट की है, जिसमें वह जिस आयाम में रहता है उसके प्रति गहरा तिरस्कार व्यक्त करता है और अपने दायरे में लौटने की उसकी सख्त जरूरत है। तिरस्कार पूर्वक वह इस ब्रह्मांड के हर कण की निंदा करता है, मानवता को उस चीज में रहने के लिए दोषी ठहराता है जिसे वह एक मनहूस अस्तित्व मानता है। व्याकुलता के क्षण का लाभ उठाते हुए जॉर्ज ने डेविड को कार से सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया और मुख्यालय को आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी देने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि उसके प्रयास विफल हो गए क्योंकि गार्ड ने उसे रोक लिया, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। विश्वासघात के एक मोड़ में जॉर्ज खुद को कैप्टन विलियम्स और स्कॉट के आमने सामने पाता है। डेविड की बढ़ती ताकत के बारे में जॉर्ज की तत्काल चेतावनियों के बावजूद विलियम्स ने उसे खारिज कर दिया और उसके नियंत्रण में पुनः प्रोग्राम किए गए उन्नत व्यक्तियों का खुलासा किया। अडिग होकर विलियम्स ने जॉर्ज को जेल में बंद कर दिया, जिससे डेविड के साथ आसन टकराव में एक हिंसक संघर्ष के लिए मंच तैयार हो गया। जैसे ही मुख्यालय के भीतर तनाव बढ़ता है, एक अलार्म हवा में बजता है जो डेविड के हमले का संकेत देता है। सुरक्षा फीड के माध्यम से डरावनी दृष्टि से देखते हुए टीम ने डेविड को आसानी से गार्डों को बेअसर करते हुए देखा, जिससे कैप्टन विलियम्स को उसके पीछे पुनः प्रोग्राम किए गए उन्नत व्यक्तियों को भेजने के लिए प्रेरित किया गया। एक पूर्वानुमानित मोड़ में डेविड ने उन्हें आसानी से निपटा दिया, अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया और उस कमरे में अपना रास्ता बना लिया जहां विलियम्स और स्कॉट इंतजार कर रहे थे। घटनाओं के एक तेज और क्रूर मोड़ में डेविड ने तेजी से विलियम्स को खत्म कर दिया और अपना ध्यान जॉर्ज की ओर लगाया। एना की पीड़ा की धमकी देते हुए डेविड आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि वह उसके पीछे आती है और उसे कोशिश करने के लिए चुनौती देती है। एक भयंकर टकराव शुरू हो जाता है, जिसमें जॉर्ज हस्तक्षेप करने के लिए जेल से बाहर निकलने के लिए बेचैन हो उठता है। डेविड, जो अब काफी सशक्त हो चुका है, अन्ना पर गंभीर प्रहार करता है, जो अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार है। जैसे ही आशा क्षणभंगुर लगती है, जॉर्ज आपातकालीन बटन दबाता है, जिससे एक गैस निकलती है जो सभी शक्तियों को समाप्त कर देती है। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं को छीनकर डेविड कमजोर हो जाता है, जिससे अन्ना को एक अवसर मिलता है।
वह लड़ाई का रुख मोड़ देती है, डेविड पर हावी हो जाती है और उसे फर्श पर असहाय बना देती है। एक नाटकीय चरमोत्कर्ष में अन्ना एक बंदूक जब्त कर लेता है, जिससे छाया के इस तीव्र टकराव में अंतिम टकराव के लिए मंच तैयार हो जाता है। एक नाटकीय मोड़ में डेविड दया की गुहार लगाता है और अन्ना से उसकी जान बख्शने की भीख मांगता है। एक पल की झिझक से परेशान होकर एना अपने निर्णय पर विचार करती है। अवसर का लाभ उठाते हुए जॉर्ज हस्तक्षेप करता है और डेविड को गोली मार देता है, जिससे तत्काल खतरा समाप्त हो जाता है। तेजी से 4 महीने आगे बढ़े और जॉर्ज और अन्ना फिर से मिले। एना ने अपने अतीत की परछाइयों से सांत्वना की तलाश में एक मैकेनिक के रूप में सरल जीवन अपनाया है। जॉर्ज ने उसे एक सूची सौंपी जिसमें सभी उन्नत मनुष्यों के नाम थे और उनसे उन्हें सामान्य जीवन पुनः प्राप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। जैसे जैसे फिल्म खत्म होती है, एक और उन्नत व्यक्ति के परिवर्तित जीवन की झलक सामने आती है। स्क्रीन काली हो जाती है, जिससे अप्रत्याशित मोड़ के लिए जगह बच जाती है। एक भयावह निष्कर्ष में कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है, क्योंकि डेविड ने पराजित होने के बारे में सोचा था, एक और उन्नत प्राणी के दरवाजे पर फिर से खड़ा होता है। अपनी किसी चीज पर स्वामित्व का दावा करते हुए डेविड की पुनः उपस्थिति एक अस्थिर अस्पष्टता का परिचय देती है, जिससे दर्शक अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं।